कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में तो सभी जानते हैं कि किस तरह उन्होंने साथ में अपनी शिक्षा प्राप्त की और उनकी दोस्ती मजबूत बनी। लेकिन शिक्षा के बाद जीवन में कृष्ण ने राजपाट संभाला और सुदामा के नसीब में गरीबी आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा की गरीबी के पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक रहस्य है और आज हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कहानी के बारे में। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वो भिक्षा मांग कर अपने परिवार का पोषण करते थे। यह जानकारी आप सभी के पास होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुदामा की गरीबी की असल वजह क्या थी? सुदामा की गरीबी का एक तार श्रापित चनों से जुड़ा है। यह वही चने हैं जो सुदामा ने श्री कृष्ण से छिपाकर खाए थे। तो चलिए जानते हैं कि सुदामा ने कृष्णा से छुपाकर चना क्यों खाए थे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी एन जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। एक वृद्ध महिला थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। भिक्षा मांग कर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वृद्ध महिला ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातः काल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर वृद्ध महिला चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। वृद्ध महिला के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा चोरों को, वह चनों की बंधी पोटरी मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में वृद्ध महिला जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटरी लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट था, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुमाता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटरी वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल वृद्ध महिला ने जब जाना कि उसकी चने की पोटरी चोर उठा ले गए, तो वृद्ध महिला ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातः काल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटरी मिली। गुरु माता ने पोटरी खोल के देखी तो उसमें चने थे। उस समय सुदामा जी और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटरी सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग यह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। जो ही चने की पोटरी सुदामा जी ने हाथ में लिया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं।
मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना का नहीं दिया। मगर भगवान कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले से लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। तो दोस्तों, इस प्रकार सुदामा ने सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाए और श्री कृष्णा को दरिद्र होने से बचा लिए। इस कथा से साबित होता है कि जीवन में सुदामा भले ही बहुत गरीब रहे हों, पर उनका हृदय बहुत बड़ा था। भौतिक दृष्टि से उन्हें निर्धन कह सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से तो उनसे धनी व्यक्ति संसार में कोई नहीं था। जो दरिद्रता का इतना बड़ा श्राप प्रभु से अपने ऊपर ले लिए। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया।